नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो के अंदर अल्टरनेटर जो अपना चैप्टर चल रहा था उसी से आगे अपने बात करेंगे। तो अल्टरनेटर के अंदर आपने पढ़ लिया था कि ईएमएफ समीकरण क्या होती है, उसके अंदर पिच फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं, आप लोगों के जो व्यूज आए वो काफी कम आ रहे हैं। आप लोग अपने दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए वीडियो को। दूसरी बात, अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम है तो आपको एक ऐसा टाइम बता दीजिए जिससे उसी टाइम पर हम वीडियो को क्या करते हैं, लगा दें। अब आज के अंदर इसके अंदर जो अपने पार्ट पढ़ने वाले हैं, आज अपने जो बात करेंगे वो आर्मेचर जो होगा, अल्टरनेटर जो होगा, उसके आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किस वजह से होगा। तो इसके पीछे अपने तीन कारण पढ़ेंगे आज कि आर्मेचर में वोल्टता ड्रॉप, कि आर्मेचर में क्या होगा वोल्टता ड्रॉप, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो बदल जाता है। इसके बाद अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो यहां देखिए आर्मेचर में वोल्टता ड्रॉप, तो पहला जो इसका रीजन होता है वो आर्मेचर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा। ये अल्टरनेटर जो होगा उसके आर्मेचर में ड्रॉप हो जाता है कि आपने जनरेटर ने ईएमएफ बना दिया 200 और आपको मिल रहा है कम, तो उसके पीछे कारण क्या क्या होंगे। तो पहला आर्मेचर का प्रतिरोध होगा, दूसरा आर्मेचर का प्रतिभात होगा जिसको हमने एक्सेल लिख सकते हैं, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा आर्मेचर क्या होगी प्रतिक्रिया होगी। यहां हमने आर्मेचर प्रतिक्रिया आपने पढ़ा भी होगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो डिपेंड करती है लोड के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होगी लोड पर डिपेंड करेगी, ये बात आपको याद रखनी। दूसरी बात, जब हमने जनरेटर पढ़ा था तो वहां आर्मेचर प्रतिक्रिया के दो इफेक्ट पड़े थे, कितने पड़े थे, दो। कौन कौन से पड़े थे उस चीज को देखें। एक आपने पढ़ा था डी मैग्नेटाइजिंग और दूसरा आपने पढ़ा था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। लेकिन यहां जो अपने इफेक्ट पड़ेंगे वो पड़ेंगे तीन प्रकार के। उसके बाद देखें, उसके बाद आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो अल्टरनेटर के अंदर तीन प्रकार से डिपेंड करती है। दूसरी बात, जो मैंने अभी जनरेटर के अंदर आपको बताया था कि जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है इसके केवल दो इफेक्ट होंगे, एक तो डी मैग्नेटाइजिंग होगा, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। लेकिन जो अल्टरनेटर होगा उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया के तीन इफेक्ट पड़ेंगे। तो दोबारा देंगे एक बार कि आर्मेचर के अंदर अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप का कारण पूछा जाए तो तीन कारण होंगे, एक तो उसका रेजिस्टेंस होगा, एक उसका प्रतिघात होगा, तीसरा क्या होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया। अब यहां जो हम बात करेंगे वो आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो ये बात आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब आपको एक चीज को पता होगा कि अल्टरनेटर जो होगा उसके अंदर आप लोग काम क्या करते हो, जो एक्साइटेशन जो देते हो वो क्या देते हो, फिक्स देते हो। इसका मतलब आप लोग काम क्या करेंगे, जो फील्ड जो होगी इसकी करंट का मान आप लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। तो पहली बात आपको काम क्या करना है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया अपने पढ़ रहे हैं और आर्मेचर प्रतिक्रिया के अंदर हमने सबसे पहले बात करेंगे कि आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो क्या करती है, भार पर डिपेंड करती है। तो यहां सबसे पहले अपने बात करेंगे रजिस्टिव लोड पर क्या होगी, फिर अपने बात करेंगे इंडक्टिव लोड पर क्या होगी, और तीसरी अपने बात करेंगे कैपेसिटिव लोड पर क्या होगी, ठीक है। यानी कि रजिस्टिव बार यानी कि प्रतिरोधी बार पर क्या होगा, इंडक्टिव लोड पर क्या होगा और कैपेसिटिव लोड पर क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये फील्ड का फ्लक्स है और रजिस्टिव लोड पर जो आर्मेचर करंट होगी और जो वोल्टेज होगी वो दोनों ही फेज होगी। इसका मतलब रजिस्टिव लोड पर जो धारा होगी उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो ये होगा। इसको याद तो अपने आर्मेचर लिख देते हैं, तो ये आर्मेचर का फ्लक्स है, ये फील्ड का फ्लक्स है, दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये आर्मेचर का फ्लक्स हो गया और ये फील्ड का हो गया, तो इस प्रभाव को बोला जाता है क्रॉस चुंबन प्रभाव। इसका मतलब अगर आपने रेजिस्टिव लोड लगाया तो जो इफेक्ट उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस चुंबन होगा। इंडक्टिव लोड पर क्या होगा, ये वोल्टेज है, ये करंट चल रही है, पीछे चलेगी 90 डिग्री और ये फील्ड का फ्लक्स था अपना, इस करंट के कारण जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, इन दोनों एक दूसरे के विरोध करेंगे। इसका मतलब यहां जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी चुंबन होगा। ये इसको क्या बोलेंगे, डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे। यहां जो होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा जबकि यहां कौन सा होगा, डी मैग्नेटाइजिंग होगा। अगला अगर अपने कैपेसिटिव लोड लेते हैं तो कैपेसिटिव लोड के अंदर जैसे मान लेते हैं ये करंट है और ये क्या वोल्टेज है और ये फील्ड का फ्लक्स साइन, और फील्ड का फ्लक्स देखो मैंने तीनों टाइम किया है जैसे ही है। यहां देखेंगे अगर ये फील्ड का फ्लक्स है यहां आर्मेचर का फ्लक्स होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करें, इसका मतलब यहां क्या होगा, ये दोनों का फ्लक्स क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसका मतलब यहां जो इफेक्ट होगा वो होगा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है।
मैग्नेटाइजिंग या टाई आएगा यहाँ पे या ऐसे ही होगा वो आप चेक करना। अब यहां देखें, एक होगा रेजिस्टिव, एक होगा इंडक्टिव और एक कौन सा होगा कैपेसिटिव। तीन प्रकार के लोड होंगे। रेजिस्टिव पर जो इफेक्ट होगा वो क्रॉस चुंबकन होगा, इंडक्टिव पर वी चुंबकन होगा, कैपेसिटिव पर होगा मैग्नेटाइजिंग या चुंबकन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस समय आर्मेचर प्रतिक्रिया न्यूनतम होती है, किस समय आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होगी न्यूनतम होगी, तो इकाई पावर फैक्टर यानी कि रेजिस्टिव बार पर होगी। यहां जो पावर फैक्टर होगा इस समय इसका क्या होगा, यहां इसका जो पावर फैक्टर है वो इकाई होगा, यहां लैगिंग होगा और यहां क्या होगा लीडिंग होगा, यहां क्या होगा लीडिंग होगा। तो ये बात आपको यहां से क्या करनी है याद रखनी। तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटिव लोड पर क्या होगा आपको ज्यादा वोल्टेज मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि यहां जो टोटल फ्लक्स होगा वो बढ़ता है, यहां आपको वोल्टेज कम मिलती है क्योंकि टोटल फ्लक्स में क्या आती है कमी आती है। और आपको पता है ईएमएफ समीकरण के अंदर फ्लक्स आपने पढ़ा भी होगा। अगला देखें, ये था आर्मेचर में वोल्टा ड्रॉप और आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के तीन रीजन है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर का प्रतिघात और आर्मेचर की प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया तीन प्रकार की होगी और ये बात मैंने आपको यहां से बता दी। और यहां से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि इंडक्टिव लोड पर किस प्रकार का प्रभाव होगा या उस पर कौन सा होगा, दोनों के फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव का होगा या विरोधी स्वभाव का होगा। तो इस पर जुड़ने वाले स्वभाव का होगा, यहाँ विरोधी होगा, यहाँ क्रॉस करेगा दूसरे को। अब ये वोल्टेज का जब ड्रॉप होता है तो यहां काम क्या किया जाता है कि आपको वोल्टेज या तो क्या मिलेगी, कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। ज्यादा एक ही कंडीशन में मिल सकती है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो कैपेसिटिव इफेक्ट होगा वही मिल सकती है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आगे देखें, अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन हिंदी में इसको वोल्टा नियमन बोला जाता है। वोल्टा नियमन का मतलब क्या होता है कि शून्य लोड से लेकर के फुल लोड पर जो वोल्टेज में चेंजिंग होता है, उसका जो परिवर्तन होता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, वोल्टेज रेगुलेशन, या वोल्टेज में उतार चढ़ाव, वोल्टता में परिवर्तन ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज में होगा शून्य भार पर वोल्टेज माइनस भार पर वोल्टता अपॉन में क्या आएगा भार पर वोल्टेज इनटू, अगर परसेंटेज में मानने जाने तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। शून्य लोड पर जो वोल्टेज होगी वो इसका ईएमएफ होगा, तो इसे लिखेंगे। बार पर जो वोल्टेज होगी उसको वी लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज होगी और यहां भी वी लिखेंगे। तो एक फार्मूला आपको यहां से याद रखना है। मान लेते हैं शून्य लोड पर आपको 200 वोल्ट मिल रही थी, यहां आपको मिल रही है 2190, तो इन दोनों का ऊपर अंतर होगा। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है, वोल्टता ड्रॉप। तो एक फार्मूला आप लोग और भी बता सकते हो कि वोल्टता ड्रॉप बटा में क्या होगा भार पर वोल्टेज इंटू क्या कर सकते हो उसको। तो ये बात आपको यहां से क्या करनी है, याद रखनी है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो कितने प्रकार का होगा अब आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखें, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि शून्य लोड से फुल लोड पर जो वोल्टता में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, शून्य भार पर वोल्टेज, भार पर वोल्टेज बटा में भार पर इंटू 100 करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा, शून्य भार पर जो वोल्टेज होती है उसका ईएमएफ कहलाता है, इसको ई से लिखेंगे। भार पर टर्मिनल वोल्टेज होगी इसको बी से लिखेंगे और ऊपर ही दोनों का जो अंतर होगा वही इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब यहाँ वोल्टा ड्रॉप भी ले सकते हो और नीचे क्या आएगा बार बार वोल्टेज। अब बात करेंगे कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है कितने प्रकार का होता है। अगर ये आपने जनरेटर पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, तो यहां देखें पहले अपने बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले अपने बात करेंगे पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि धनात्मक वोल्टता नियमन। शॉर्ट के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो, पीवीआर। और एक अच्छा वोल्टेज जनरेटर वही है या अल्टरनेटर वही है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या हो, कम से कम हो। वोल्टेज में उतार चढ़ाव जो है वो सबसे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, जैसे ये फॉर्मूला लेते हैं यहां में लेते हैं तो इसको वी नो लोड, वी फुल लोड ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर ये मान बड़ा है ये मान छोटा है, ये मान बड़ा है ये मान छोटा है, तब क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा क्या बनेगी, यदि नो लोड पर जो वोल्टेज है वो फुल लोड से वोल्टता पर क्या होगी ज्यादा होगी, तब वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। इसका मतलब अगर ये नो लोड वोल्टेज होगी वो ज्यादा होगी, फुल लोड वोल्टेज क्या होगी कम होगी। दूसरा अगर अपने बात करें नेगेटिव की, ये तो बात थी पॉजिटिव की, अगर अपने बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव का आपका मान कब आएगा, जब यहां ये फुल लोड वोल्टेज ज्यादा होगी, नो लोड पर वोल्टेज क्या होगी कम होगी।
इसका मतलब जब नो लोड पर वोल्टेज फुल लोड की तुलना में क्या होती है, कम होती है। फुल लोड की तुलना में क्या होगी, कम होगी। या उल्टा भी बोल सकते हो कि नो लोड पर जो वोल्टेज है, सॉरी फुल लोड पर जो वोल्टेज है वो नो लोड से क्या होगी, ज्यादा होगी। इस समय इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान क्या होगा, कम होगा, तब ये मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस समय ये जो किस भार पर होगा ये हमेशा क्या होगा, कैपेसिटिव लोड पर होगा। ये बात आपको यहां से याद रखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा वो कैपेसिटिव लोड पर होगा, पॉजिटिव आपका जो रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों लोड पर हो सकता है। फिर ध्यान रखना अगला जो आएगा वो आएगा शून्य वोल्टेज रेगुलेशन। शून्य का मतलब क्या होगा, जीरो। अगर आपको नो लोड और लोड दोनों पर वोल्टेज सेम मिल रही है, अगर ये नो लोड पर वोल्टेज है और फुल लोड पर जो वोल्टेज है, अगर ये दोनों के मान बराबर है, तब उस समय क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और ये है कि जनरेटर अल्टरनेटर या जनरेटर के अंदर हो सकते हैं जहां शब्द जुड़ा हो आइडियल या आदर्श शब्द का क्या हो, ठीक है, या आदर्श शब्द का क्या हो, प्रयोग। तो आदर्श वोल्टेज आदर्श अल्टरनेटर आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ क्या होगा, शून्य होगा। तो ये बात आपको यहां से क्या याद रखनी। तो ये थे वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ, किस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको दे दिया कि नो लोड पर जो वोल्टेज है, कि नो लोड पर जो वोल्टेज है, ठीक है, नो लोड पर जैसे वोल्टेज का मान दे दिया आपको 220 वोल्ट, और आपको दे दिया लोड पर वोल्टेज जो है वो दे दिया 200, और आपसे पूछा कि प्रतिशत वोल्टता नियमन क्या होगा या वोल्टता में परिवर्तन क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकते हैं। तो आपको पता है ऊपर नो लोड पर वोल्टेज माइनस लोड पर वोल्टेज बटा में लोड पर इंटू क्या आएगा, 100। इसको अलग करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 बटा में 200 इंटू कितना आएगा, 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 10% आएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का। तो ऑप्शन आपको इस तरीके से नहीं देगा, आपको देगा प्लस माइनस 10%, माइनस 10%, प्लस 10%, या प्लस माइनस 5%, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं। दो ऑप्शन ऐसे भी दिए जा सकते हैं ऐसे। तो यहां ध्यान रखना कि प्लस और माइनस दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, या तो प्लस रहेगा या क्या आएगा, माइनस रहेगा। उसके बाद में देखिए हम लोग, तो ये बात आपको यहां से समझ में आ चुकी होगी। अब हमने बात करें कि अल्टरनेटर जो होगा वोल्टेज रेगुलेशन के बाद में इसका जो अगला पॉइंट है वो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर। और एक अपने बात करेंगे कि अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होगी, फिर इसमें एक दो टॉपिक और बचेंगे वो अगली नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे आपको, या एक या दो क्लास और लगेंगे, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल ये क्लास लगाएंगे हमने। पावर फैक्टर हो गया, अल्टरनेटर का क्या होगा, आउटपुट हो गया। ये तीनों टॉपिक देखें थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड। देखो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर का मतलब क्या होगा, अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो बार पर डिपेंड करता है, बार पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अभी मैंने आपको जो आर्मेचर प्रतिक्रिया बताई थी वहां से आप लोग पढ़कर समझ सकते हो कि रेजिस्टिव लोड पर इसका पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई होगा। इंडक्टिव लोड होगा जिसका पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। और कैपेसिटिव लोड होगा इसका पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है कि अल्टरनेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, इन दोनों का पावर फैक्टर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, लोड पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में देखिए अल्टरनेटर की रेटिंग, अल्टरनेटर की रेटिंग या तो केवीए में ली जाती है या किस में ली जाती है, एमवीए में। और अल्टरनेटर की जो ये रेटिंग होती है वो कौन सी पावर को रिप्रेजेंट करती है, तो ट्राइंगल आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ वास्तविक शक्ति होती है, यहाँ प्रतिघाती होती है, और यहाँ क्या होती है, आभासी। तो ये आभासी शक्ति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग जो होगी वो केवीए एमवीए में हो सकती है, और आभासी शक्ति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा। अब अल्टरनेटर जो होता है वो लोड को कितना आउटपुट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो अल्टरनेटर का आउटपुट किलोवाट में होगा, और किलोवाट आपको पता है वीआई इंटू क्या होगा, कॉस फाई होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, वीआई को क्या लिख सकते हो, या आपको यहां इसको मैं वाट लिख देता हूं। अगर इसको किलोवाट लेंगे तो यहां के वी ए इंटू क्या लिख सकते हो, कॉस फाई, क्योंकि धारा और वोल्टेज का गुणा होता है आभासी शक्ति होगी। इसका मतलब यहां क्या होगा, वास्तविक शक्ति बराबर क्या होगा, आभासी शक्ति इंटू क्या होगा, पावर फैक्टर। तो आपको पता है कि ये अल्टरनेटर की रेटिंग भी है, तो आउटपुट जो होगा यहां से क्या लिख सकते हो, अल्टरनेटर की रेटिंग कितनी है और अल्टरनेटर का क्या पावर फैक्टर कितना होगा। तो यहां से आप लोगों को ध्यान रखना कि अल्टरनेटर का आउटपुट होगा वो किलोवाट में लेंगे या मेगावाट में लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में है या एमवीए में। अगर केवीए में तो केडब्ल्यू में, अगर एमवीए में तो एमडब्ल्यू, एमवीए में अगर सीधा वीए तो वोल्ट वाट में है।
पावर फैक्टर। अब आपसे ये पूछ लेंगे अल्टरनेटर अधिकतम आउटपुट किस पर देगा, तो ये ध्यान रखना इकाई पावर फैक्टर पर देगा। या से ये भी पूछा जा सकता है कि एक 10 केवीए का एक अल्टरनेटर है और आपको बोल दिया कि 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर पर उसका आउटपुट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 0.707 करेंगे तो कितना आएगा 7.07 KW, इसका क्या हुआ राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, देखते रहिए, धन्यवाद।